तो हाँ जी फ्रेंड नमस्ते, कैसे हो? तो फ्रेंड आज की हमारी वीडियो ये पीछे देख सकते हैं, मुझे है महिंद्रा की एम हॉक गाड़ी। इस गाड़ी ये गाड़ी 2016 मॉडल है। इस गाड़ी का जो क्लच है वो फ्री हो गया है बिल्कुल। इसका नीचे वाला जो क्लच सिलेंडर होता है वो लीक कर गया, जो गियर के हाउस के अंदर लगा होता है, तो अब लगे इसका रिप्लेस करना है। तो क्लच इसका बिल्कुल फ्री हो गया जी। S10 मॉडल है गाड़ी, ठीक है फ्रेंड। S10 मॉडल है ये स्कॉर्पियो S10। तो क्लच इसका बिल्कुल फ्री हो गया है, तो ये बिल्कुल न्यू गाड़ी पड़ी है। अभी तो चली भी बहुत कम किलोमीटर है। नहीं, काफी चल गई है, मुझे लगा कम चली है, 1,27,000 किलोमीटर चल गई है। तो क्लच इसका बिल्कुल फ्री हो गया है, खाली हो गया क्लच बिल्कुल फ्रेंड, प्रेशर ही नहीं है क्लच में। तो पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, काफ़ी गाड़ियों की डाली हुई है क्लच बैरिंग रिप्लेस पर। पहले मैंने एक बलेरो की डाली थी जो ऊंचा मॉडल था, एम पावर प्लस थी, उसका भी क्लच बिल्कुल फ्री हो गया था। उसका भी मैंने क्लच बैरिंग रिप्लेस किया था, जो रिलीज बैरिंग होता है, गियर हाउसिंग के अंदर लगा होता है। तो ठीक है, क्लच बैरिंग, क्लच फ्री होने से उसके गियर नहीं लग रहे थे, ठीक है फ्रेंड, गियर नहीं लग रहे थे, तो टाइट लग रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का। तो ठीक है फ्रेंड, क्लच का लेवल भी, अब इसमें क्लच ऑयल डाल के इस गाड़ी को लेकर आना है रोड से। जब हम इसका ये ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज नहीं करते तो इस कारण भी ये क्लच सिलेंडर इसके लीक कर जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये भी अब रिप्लेस करेंगे सारा इसका क्लच ऑयल। तो इसका दिखाते हैं आपको, नीचे से क्लच इसका लीक हुआ। तो ये देखो फ्रेंड, यहाँ से ये लीक कर गया है सारा, ये ब्रेक वाला सिलेंडर से लीक किया है, तो ये सारा बहुत ज़्यादा लीक कर गया। जैसे तो ये सारा गियर अप डाउन करना पड़ेगा, इसके नट बोल्ट ये 14 नंबर के सब खोलने पड़ेंगे, गाटरी वगैरह शाफ्ट वगैरह खोल ली इसकी। तो ये यहाँ से लीक होने शुरू हो जाते, जब यहाँ से लीक होना, ब्रेक लीक हो जाए तो समझ लो आपका ये क्लच बैरिंग लीक कर रहा है, तो क्लच आपका बैठ सकता है, फ्री हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, खोलते हैं इसका गियर सारा, इसका सेल्फ वगैरह खोलना पड़ेगा, सारे गियर हाउसिंग के बोल्ट, ये यहाँ लगी होती है इसकी एयर निकालने वाली निप्पल, तो ठीक है फ्रेंड खोलते हैं इसका गियर। तो लगे हैं फ्रेंड इसका गियर डाउन करने, घंटा डेढ़ घंटा लग गया इसको खोलते खोलते, ऊपर से भाई पानी अजय तेल तेल आने लग गया, तेल पी जाता लग गया हमने। लो भाई दोस्तों, चल भाई आन दे, काफी हैवी होता है, बाकी बोलेरो से तो कम ही होता है, ओल्ड मॉडल बोलेरो M2DI से। लो भाई बहुत ज्यादा लीक है क्लच बैरिंग। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहा इसका क्लच बैरिंग, तो ये बहुत ज्यादा लीक कर गया। चलो अभी पीछे कर ला लो, भी कैसे लोना गाटर कटो। लो भी ठीक है, गियर को बाहर निकालती है, ये देखो कितना ज्यादा इसका गियर। ठीक है फ्रेंड, क्लच प्लेट इसकी, प्रेशर प्लेट और डक पे अभी आने को जो। चलो भाई ले आओ बाहर, ये देखो फ्रेंड कितना ज्यादा इसमें क्लच ऑयल ब्रेक ऑयल आया हुआ लीक करके, बहुत ज्यादा। ये देखो फ्रेंड आ गई डुल्ला, इथे ये तो तेल के तो डल गया तो सूखा गया। चलो अभी बाहर निकालो, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। तो ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा ये इसका क्लच बैरिंग लीक कर गया है। तो ठीक है फ्रेंड, यही था इसका क्लच, जो क्लच इसका बिल्कुल फ्री हो गया था पैडल, तो यही कारण था इसका, यहाँ से ये ब्रेक ऑयल लीक कर गया, ऊपर से क्लच बिल्कुल फ्री हो गया। तो खोलते हैं ये देखो, अब पूरा ये अंदर से पूरा साफ सफाई करेंगे, फिर इसको न्यू क्लच बैरिंग फिट करेंगे।
तो ठीक है फ्रेंड, खोलते हैं इसको। तो लो भी फ्रेंड, ये था इसका क्लच बैरिंग, ये यहाँ से लीक कर गया है, ये लीक कर गया यहाँ से। तो ये ओरिजिनल ये महिंद्रा का। हाँ जी दोस्तों, क्लच बैरिंग का मंगा लिया ओरिजिनल महिंद्रा ने महिंद्रा का, तो पैकिंग यदि अभी खोल के पहले चेक कर ले कोई फर्क तो नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आ दोस्तों उपर वाला पार्ट नंबर है दोस्तों, तो यह बॉक्स प्राइस है 2656 रुपए। तो जो किन्ने का मिले वह तुम दस दें वीडियो के लास्ट में किन्ने मिले पापा। ठीक है दोस्तों, आ रहा है क्लच बैरिंग ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, लक कंपनी चाहता वा, महिंद्रा चो निकलता वा, महिंद्रा की पैकिंग चो लक कंपनी का निकलता दोस्तों। ओरिजिनल क्लच बैरिंग है, कोई फर्क नहीं, लोगो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का लगा हुआ वा। ठीक है दोस्तों, तो जो ये क्लच बैरिंग है दोस्तों, तुम्हें मैं दस दवा थोड़ी जानकारी लई, ये क्लच बैरिंग केजूवी भी पैंता वा, टीजूवी भी पैंता वा, क्वांटम भी पैंता वा, तो स्कॉर्पियो जो अपनी हम न्यू मॉडल है इन भी पैंता, तो बलैरो पावर प्लस भी पैंता वा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी गड्डियों क्लच बैरिंग पैंता वा, तो तुम दिखाने पुराने वाला नाल सेम है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, दो बोल्टों के टाइट हों वा, तो दो बोल्टों में यही टाइट हों वा। ये एक लख लिखा नहीं गया, ये पहला पता नहीं भी ओरिजिनल या कंपनी का पहली बार खुला वा। आ निपल दोस्तों लग जानी है एंड ओके रिपोर्ट आ क्लच बैरिंग, काफ़ी लीक कर गया, बहुत ज़्यादा लीक सीगा। तो हाउसिंग दोस्तों असी बिल्कुल क्लीन कर लिया वा, तो तुम दिखाने जो गेयर हाउसिंग हों, बहुत ज़्यादा गंदा सी, ऑयल वगैरह लीक होया सीगा, सारा पानी मार के एंड चमका लिया। देखो ठीक है दोस्तों, हुण करते हैं इहनूं दो बोल्टां दे विच टाइट करते हैं, निप्पल वगैरह लाने आ, तो फिर आ देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का लोगो भी लगा, तो महिंद्रा भी लिखा आया वा ओरिजिनल एंड सेम। तो ठीक है दोस्तों, करके दो बोल्टां दे विच टाइट, तो लाने गेयर इंजन के नाल करते हैं, चढ़ाने गेयर, तो फिर तुहानू दिखाउणे दा जो क्लच पहला बहुत ज़्यादा लूज हो गया सी, फ्री हो गया सीगा, तो गेयर लग नहीं रहे सीगे, तो कढ़ा के क्लच की एयर वगैरह, तो तुहानू दिखाउणे गेयर पा के टैस्ट ड्राइव वगैरह लैके, तो तुहानू वीडियो के लास्ट में दसदे आ किन्ने दा क्लच बैरिंग आपां नूं मिलिया वा लैस करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो वधिया लगी तो लाइक करना, बाकी मैं बलैरो पावर प्लस से भी दोस्तों ये वीडियो अपलोड की हुई है, वह भी क्लच बैरिंग लीक कर गया सीगा। ठीक है दोस्तों, गेयर थले रख लिया गाड़ी हम लाने इंजन के नाल गेयर करते हैं, चढ़ाने उपर बाकी सारी थलो गाड़ी वाश करवा देनी है, बाद सारा काम करके वाशिंग करवानी है गाड़ी की, सारा जो ऑयल वगैरह लगे सारा साफ हो जाना वा। ठीक है दोस्तों, करते थे नट बोल्ट टाइट, सारा गेयर वगैरह ला के फिर तुम्हें दिखाने की टेस्ट वगैरह लैके, कलाची का जो पहला लूज से गेयर पा के। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहो अगे, तुम क्लच बैरिंग का भी अपना प्राइस बताने क्लच करके कितना मिले। लो भी दोस्तों, गड्डी पूरी कंप्लीट असी कर दी है, गड्डी ओके रिपोर्ट हुई है, क्लच ऑयल भी चेंज कर दिता वा, तो क्लच भी हूँ बिल्कुल ओके है दोस्तों। बाकी तुम थले की फिटिंग दिखा दें, थलों भी हूँ गड्डी वाश वगैरह करा देवे, जो ऑयल वगैरह लगा सारा असी वाश करा देना वा। बाकी गेयर की फिटिंग सारी हो गई है, सारे नट बोल्ट टाइट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, हाउसिंग के बोल्ट गेयर ऑयल वगैरह ओके कर दिता पूरा, जिन्ना भी घट से सारा पा दिता वा, सैल्फ वगैरह के बोल्ट सारे टाइट आ, बैक गियर स्विच न्यूट्रल स्विच बिल्कुल ओके आ, शॉफ्ट का काम ओके हो गया, शॉफ्ट के बोल्ट वगैरह ओके हो गए हैं। तो ठीक है भी दोस्तों, सारी फिटिंग हो गई है, क्लच की एयर कटवा दी है दोस्तों। ठीक है, वो क्लच की एयर आ, वो लगा दा बोल्ट। ठीक है दोस्तों, यदि क्लच की एयर ये जो नट होंगे इन लूज कर देना, अपने आप यदा ब्रेक लो निकल देना चाहिए वा, जो एन हवा एयर निकल जाती उदो इन बोल्ट को टाइट कर देना, फिर एक दो बार पैडल प्रेस करके दो चार बार फिर इन एक दो बार लूज कर देना वा, तो इस नाल इहदी एयर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी हुण क्लच बिल्कुल ओके आ, तो चलते हैं गड्डी के अंदर, सारी फिटिंग हो गई उपरों। ठीक है भी दोस्तों, दबद क्लच। ठीक है भी दोस्तों, क्लच का प्रेशर एन बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल न्यू की तरह, न्यू की तरह एन क्लच का प्रेशर हो गया दोस्तों, बिल्कुल ओके है हुण, पहला बिल्कुल फ्री सी इहदा क्लच। तो गेयर पा के देखते हैं, ठीक है दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट, हैंड ब्रेक डाउन, क्लच क्लच प्रेस ओके रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, कोई गेयर आवाज नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, गेयर बिल्कुल ओके पै रहे हैं, बैक गेयर भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा,
पहला गियर आवाज करके पै रहे सी, क्लच इहदा फ्री सी। ठीक है दोस्तों, ओके रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, ओके रिपोर्ट हो गया था क्लच हुण। ठीक है दोस्तों, टेस्ट ड्राइव लैन की लोड़ नहीं, टेस्ट ड्राइव बाकी आपां लैके देख लैने आ, बाकी ओके आ। मेन काम हुंदा तां क्लच फ्री हो जाणा, क्लच अपना हुण पूरा टाइट हो चुका वा, तो बिल्कुल ओके गेयर लग रहे आ। ठीक है भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गड्डी बिल्कुल ओके हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो यह आपां कीता क्लच का, क्लच बैरिंग पाया वा, क्लच बैरिंग का लीक कर गया सी। बाकी दोस्तों, ये क्लच बैरिंग जो आपां नूं मिलिया ओरिजिनल महिंद्रा एंड महिंद्रा का, यह जो दोस्तों 16 मॉडल गड्डी है, ये क्लच बैरिंग जो दोस्तों पै रहा वा, यह बलैरो पावर प्लस का पैंदा वा। ठीक है दोस्तों, बलैरो पावर प्लस का ही पै जाता वा, तो यह आपां नूं मिलिया 2580 रुपए का मिलिया वा। ठीक है दोस्तों, 2580 रुपए का यह क्लच बैरिंग आपां नूं मिलिया वा, एक ये ब्रेक पिया वा, बाकी साडी लेबर है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो पुराने मॉडल एम होक होंगे सी, उन्होंने अपने और फर्क सी, उन्होंने क्लच बैरिंग का होर तरह का पैंता। ठीक है दोस्तों, वो 3 बोल्टों के टाइट हों, ये 2 बोल्टों के टाइट हों, तो यह क्लच बैरिंग बलैरो पावर प्लस वाला पैंता वा, 2580 रुपए का मिले वा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो वधिया लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के नाल शेयर करना, चैनल से पहली बार चैनल में सबसक्राइब करना, तो मेरा फेसबुक का पेज है दोस्तों दीपा मोटर गैरेज, उन्होंने भी फॉलोअप जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो फिर आपको इसका बैरिंग का प्राइस कितने का है। तो ठीक है फ्रेंड, गाड़ी बिल्कुल ओके है, गियर वगैरह बिल्कुल ओके लग रहा है, रिवर्स गियर भी बिल्कुल ओके है। तो वीडियो को लाइक फ्रेंड कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के नाल कर दिया करो, क्योंकि थोड़े सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मैं जो अगे तो वीडियो बनाने का होर मौका मिलता मैं, जो तुम वीडियो लाइक वगैरह करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के नाल।